ब्लक भएर मान्छे यहाँ बिजोग भएर छ है। यतिना खतरा मोल लेके मैं यहाँ पे ये ब्लक बना एउटा सफारी आउँदैछ। सफारी अलमोस्ट उ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मैं हूँ टिस्टा पे और अभी है मानसून। मानसून सीजन लग गया है। सो मानसून सीजन इज लाइक ऑफ सीजन। सो मेरे बैकग्राउंड में बहुत शोर आ रहा होगा पानी का। सो ये है पानी का शोर और टिस्टा का स्तर थोड़ा बढ़ गया है पानी। सो पानी बारिश हो रहा था, मैं सोच रहा था कि कहाँ जाऊँ नहीं जाऊँ, कहाँ जाऊँ नहीं जाऊँ। सो अभी बारिश रुका है तो मैं सोच रहा हूँ कि वो वाटरफॉल जाके आऊँ। वहाँ पे एक वाटरफॉल है जो कि यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, लेकिन वहाँ पे आपको जाके दिखाता हूँ। हाँ, सो ब्लॉग में बने रहिए, वीडियो में बने रहिए। अगर अच्छा लगे ब्लॉग तो ज़रूर एंड लास्ट तक देखना, और लास्ट तक अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। सो ब्लॉग को एंड तक देखे सो आपको वाटरफॉल देखने को मिलेगा। तो गाइस मैं हो गया रेडी और मैं निकल चुका हूँ। सो मैं सोच रहा था जाने से पहले एक टिस्टा का व्यू दिखा दूँ, टिस्टा का रिवर का व्यू। ये देखो टिस्टा ब्रिज। सो आगे आपको देखने को मिलेगा वाटरफॉल। सो वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो में बने रहना गाइस। सो गाइस हम जा रहे हैं पैदल क्योंकि ना हमारे पास बाइक है जो कि हमारा रॉकस्टार भी नहीं है, और मेरा साइकिल ओमो भी नहीं है। सो आई एम मिसिंग माय ओमो सो मच और पैदल जा रहा हूँ, आगे देखते हैं। सो यहाँ पे जो बारिश के वजह से, टिस्टा रिवर के वजह से, ये थोड़ा रोड का इस तरीका का हाल है। ये देखो क्रैक हो चुका है, ये किसी दिन गिरने वाला है शायद। ये भी गिर जाएगा पूरा, ये घर पूरा क्रैक है। सारा क्रैक हो चुका है, इधर क्रैक है। छेद हो गया यार, किसी दिन ये भी गिरेगा रोड नीचे टिस्टा पे। देखो पुलिस वाले हेलमेट नहीं लगा। अच्छा एनीवेज मैं सोच रहा था आज नेपाली में ब्लॉग हो जाए। सो क्या कहते हो गाइस, नेपाली में ब्लॉग हो जाए। सो यो हो टिस्टा है। यो चाहिँ टिस्टाको अहिले यस्तो यस्तो बिजोग भइरहेछ हैन। टिस्टाको मान्छेहरु यहाँ टेन्सन भइरहेछ, कस्तो के हुन्छ हो। डल्लै जुलाई बाकी छ, जुलाईको अब यो मतलब रेनी सिजन बाकी छ। यो जुनमै यस्तो हालत भइरहेछ हो। यो बाटोहरू ब्लक छ अहिले त, जाँदैछ अलिअलि भयो भने दार्जिलिङ जाँदैछ, तर आफ्टर मेबी दुई चार दिन पाँच दिन एक हप्ता बाद हुन्छ हुँदैन थाहा छैन। सो हेरौँ अगाडि के अपडेट छ बाटोको। गाडी चाहिँ आउँदैछ गान्तोकबाट। सो ये देख सकते हो नज़ारा गाइस, ये नज़ारा टिस्टा का, और ये है मेरा घर जो पहले में था, पहले हम यहाँ पे रहते थे। सो ये एकदम पूरा नदी में डूब गया था। सो मेरा घर का सामान सारा बह गया, इवन मेरा साइकिल रूम से निकाल लिया था। अब क्या ही बताए, जो होना था वो हो गया, हम बच गए, ये बड़ी बहुत बड़ी बात है। ओ हो भाई साहब, ओ हो 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 हो, बारिश तो यहाँ नहीं हो रहा है लेकिन शायद सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम की तरफ बारिश हो रहा है, तो इसीलिए पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत बढ़ गया। तो देख लो गाड़ी तो जा रहा है ब्रो, वहाँ पे रास्ते में पानी आया हुआ है, रास्ते में पानी आ गया बट गाड़ी जा रहा है फिर भी। गान्तोक टु दार्जिलिङको रोड यस्तो छ है, आज चाहिँ पानी आइसकेको छ रोडमा, बट गाडी चाहिँ जानु जाँदैछ आफ्नो रिक्समा है। गाडी चाहिँ जानु जाँदैछ तर आफ्नो रिक्समा जानु पर्यो है। अब
यसमा कोही कसैको रोकटोक छैन, बेसी पानी पऱ्यो भने त फेरि अब जानु नै भएन हो। तर अहिले चाहिँ बेसी छैन, एक दुई फुटको पानी छ, एक दुई फुट जानु सक्छ गाडी। अहिले भर्खर गाडी पास भएर पनि आयो, अझै एउटा गाडी आउँदैछ। सफारी आउँदैछ, सफारी अलमोस्ट ऊ राइट चाहिँ एडभेन्चर हुनेछ है। एडभेन्चर गाडी अड्क्यो, ला 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 अड्क्यो त्यो त। So finally we are here in this location. So हम यहाँ पे आ गए location और waterfall का नज़ारा कुछ ऐसा है। पैदल पैदल मैं आ गया यहाँ तक। So वहाँ तक जाऊँ, वहाँ तक जाऊँगा। So वहाँ जाके दिखाता हूँ आपको waterfall पूरा, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे आए हैं और ये जगह से खड़े खड़े होके ये waterfall देखे हैं। So बहुत ही गए नहीं होंगे या तो फिर गए होंगे। तो मैं जाके दिखाता हूँ आपको वाटरफॉल का नज़ारा कैसा है। चलो देखते हैं भाई। वाटरफॉल, अब पानी की आवाज़ सुन रहे हो गाइस। अब पता नहीं मैं कैसे जाऊँ। और ये वाटरफॉल देख के कुछ मेरे को वो वायरल, जो अभी जो वायरल चल रहा है ना वाटरफॉल के जगह में, जो अचानक पूरा बाढ़ आ जाता है, अचानक पूरा पानी आके बह जाता है, वैसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये जगह को मैं जानता हूँ इसीलिए मैं जा रहा हूँ यहाँ पे। नहीं तो मैं, अगर कोई नया जगह होता तो मैं नहीं जाता, क्योंकि पानी कभी भी आ सकता है, पानी कभी भी बढ़ सकता है। अगर बढ़ के अगर मैं बह गया ना इस पत्थर में, ठोकरें खाते खाते मर जाऊँगा। सो चलते। सो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जो जगह आप नहीं जानते हो, मतलब जो जगह आप नहीं जानते हो, उस जगह को ऐसा वाटरफॉल अगर हो तो ना जाए, वो बेहतर होगा इस मानसून सीज़न में। क्योंकि पानी का स्तर कब क्या हो सकता है, क्योंकि भाई पानी आकर हवा को कोई नहीं रोक पाया है। सो जैसे वायरल वीडियोस में देखे हैं बहुत लोग बह गया था, वैसे मैं भी बह जाने वाला ऐसे ही होगा। लेकिन मैं इस जगह को जानता हूँ, काफ़ी 3 साल से मैं आ रहा हूँ, ये जगह को जानता हूँ मैं, इसीलिए मैं आया। आप कभी मैं ट्राई करना ऐसे नई जगह में जाके एक्सप्लोर करना अगर नहीं जानते वो जगह को। अगर जानते होंगे तो कोई बात नहीं, आप एडवेंचर एक्सपीरियंस कुछ भी कर सकते हो। सो फाइनली मैं यहाँ तक पहुँच गया, ये देख सकते हो वाटरफॉल। सो मैं सोच रहा हूँ वहाँ तक जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि ये जो पत्थर है ना पानी से भरा फिसलन हो गया है। मैं थोड़ा अभी स्लिप करके गिरा था, लेकिन ऐसे कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा हल्का स्लिप किया। लेकिन आगे मैं सोच रहा हूँ कि आगे ज़्यादा स्किप ना हो, स्लिप ना हो, इसलिए मैं उधर नहीं जाऊंगा। तो यहाँ से देख लो आप वाटरफॉल गाइस। सो मेरे को यहाँ से जाने का थोड़ा रास्ता नहीं मिल रहा है गाइस, यहाँ से जाने को रास्ता नहीं मिल रहा है। यहाँ से मैं जंप कर सकता हूँ लेकिन मैं रिस्क नहीं लूंगा। अगर गिर गया तो मैं भीग जाऊंगा, चोट लग सकता है, मोबाइल भीग सकता है, तो मैं नहीं जाऊंगा। आप लोग यहाँ से देखे वाटरफॉल का नज़ारा देख लो गाइस। ये वाटरफॉल, अगर ये वाटरफॉल में अगर हम मैं अगस्त या सितंबर में आऊँ तो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा थोड़ा पानी रहेगा और नीचे का जो पानी है ना इतना गंदा नहीं रहेगा, ग्रीन रहेगा। तो उस टाइम हम लोग आके यहाँ पे स्विमिंग वगैरह करेंगे, आपको दिखाएंगे। तो चैनल पे बने रहना, सब्सक्राइब कर देना, फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर देना। थैंक यू गाइस, थैंक यू। इतना खतरा मोल लेके मैं यहाँ पे ये ब्लॉग बनाने के लिए आया हूँ। तो ये आपको दिखाया वाटरफॉल, अगर आपको अच्छा लगे तो इस मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब प्लीज़। YouTube में देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और ऐसे एडवेंचर के लिए आगे देखते रहिए।
ब्लक भएर मान्छे यहाँ बिजोग भइराछ है बाटो ब्लक भएर म त अघि नै म नेपालीमा ब्लक गर्छु भनेर हिन्दीमा गई पठाएछु सो एनीवेज जस्तो पनि हुन्छ अलि कमेन्टमा जनाइदिनुहोस् होला मेरो ब्लक कस्तो हिन्दी मनपर्छ कि तपाईँलाई नेपालीमै मनपर्छ